हेलो दोस्तों, यदि आप स्टूडेंट्स हैं और या गेमर हैं और आपको एक लैपटॉप लेना है, अपना पहला लैपटॉप लेना है, तो कुछ बातों का ध्यान जरूर कर लें, नहीं तो बड़ा घाटा हो जाएगा। तो लैपटॉप लेने से पहले सबसे पहले उसका प्रोसेसर हमें चेक कर लेना होता है। यदि आप एक स्टूडेंट लेवल हैं तो आपके लिए i3 बेटर है। यदि आप एक गेमर हैं तो आपको i5 या i7 की तरह जाना चाहिए। प्रोसेसर में ही जनरेशन और कोर्स होती हैं। तो जनरेशन इस समय 10, 11, 12 और 13 जनरेशन तक मार्केट में अवेलेबल है। 12 और 13 थोड़ा सा अभी रेट ज़्यादा है, नया आया है। 10 और 11 थोड़ा सस्ता है। अगर आप केवल एक स्टूडेंट्स हैं, आपको फोटोशॉप, कोरल, MS Word ये सब नॉर्मल बेसिक चीज़ें चलानी है, तो आप 10 या 11 ले सकते हैं। अगर आप एक गेमर तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जनरेशन में जाना चाहिए, 13 में जाना चाहिए, क्योंकि 13 जो जनरेशन है उनमें गेमिंग के लिए बहुत कुछ, उसमें ग्राफिक्स के लिए काम किया हुआ है। तो आप i5 13 जनरेशन का या 13 जनरेशन का लैपटॉप ले लीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप 10 या 11 जनरेशन में i3 ले लेंगे, आपका काम चल जाएगा। उसके बाद में आती है रैम, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ज़्यादा हम एप्लीकेशंस उसमें एक साथ चला सकेंगे और ज़्यादा ज़्यादा मल्टीटास्किंग उसको कर पाएंगे। तो आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो आपको मिनिमम 8 GB रैम में हो जाएगा, और आप अगर एक गेमर हैं तो आपको लगभग 16 GB रैम तक जाना चाहिए, 16 GB रैम तक जाना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं हार्ड डिस्क की। तो जो हार्ड डिस्क हमारी होती है, हार्ड डिस्क में हम इस समय जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है वो है NVMe SSD हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क तीन प्रकार की आती है, एक NVMe हार्ड डिस्क है, एक नॉर्मल SSD है और एक हार्ड ड्राइव। तो आपको NVMe SSD की तरफ जाना चाहिए, और साथ में देख लें कि अगर उसके साथ एक हार्ड ड्राइव लगी हो तो जिससे क्या होगा कि लगभग 512 GB की आपको एक NVMe मिल जाए और 1 TB की आपको हार्ड डिस्क मिल जाए, तो आपको लगभग 1.5 TB डाटा स्टोर करने के लिए मिल जाएगी। तो हार्ड डिस्क हो गई। उसके बाद में बात करते हैं बैटरी की। तो देखिए, लैपटॉप है, कहीं पर भी बैठेंगे चलाएंगे तो उसकी बैटरी अच्छी होनी चाहिए। तो उसको हम देख लें कि 5-6 घंटे उसका बैटरी बैकअप टाइम हो। हम अमेजन पे भी जाके किसी भी लैपटॉप का पहले रिव्यू चेक कर लें। उसके बाद में हम बात करते हैं डिस्प्ले की। तो देखिए, डिस्प्ले बड़ा मेन पॉइंट होता है किसी भी लैपटॉप के लिए, कि उसकी डिस्प्ले जो हो न्यू टेक्नोलॉजी की हो, जिससे कि आपकी आंखों को भी प्रॉब्लम कम हो, और दूसरी बात ये कि वो स्क्रीन साइज उसका जो हो वो थोड़ा सा ठीक साइज हो, बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो, बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो। बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, और बहुत ज़्यादा बड़ा ले लिया तो आपको ट्रैवल करने में दिक्कत आएगी और आपका लैपटॉप एक पोर्टेबल लैपटॉप नहीं रह जाएगा। आप कहीं भी उसको बैग में डालेंगे वो भारी हो जाएगा। तो ये भी देख लेना है कि लैपटॉप की साइज, स्क्रीन साइज आपको देख लेना है। लगभग 15-16 इंच के लैपटॉप अगर हम लेते हैं तो वो बेस्ट होते हैं। और फिर सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि उसका सर्विस सेंटर। तो जिस कंपनी का भी आप लैपटॉप ले रहे हैं, तो जिस जिले में आप रहते हैं उस जिले में उस कंपनी का सर्विस सेंटर होना चाहिए। जैसे ये वीडियोस कानपुर से शूट हो रहा है, तो जैसे कि किसी भी कंपनी का लैपटॉप हमने लिया तो कानपुर में उसका सर्विस सेंटर होना चाहिए। अगर उसका सर्विस सेंटर मान लीजिए दिल्ली में, उसमें कुछ खराबी आ गई तो दिल्ली जाना पड़ेगा लैपटॉप लेके, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसका बिल्कुल जरूर ध्यान रख लें कि सर्विस सेंटर उसी शहर में होना चाहिए। और यदि आप पुराना लैपटॉप लेने जा रहे हैं, तो नए की बात थी, यदि आप पुराना लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो उसमें सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी होती हैं, तो जान लेते हैं। तो सबसे पहले उसकी बाहरी बनावट देख लेते हैं कि कहीं से भी वो डैमेज ना हो, ज़्यादा उसमें स्क्रैचेस ना आए हों, और जो लास्ट बात है, महत्वपूर्ण बात है, कि उसकी जो डिस्प्ले हो वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, डैमेज नहीं होता। 1% भी अगर उसमें डैमेज होगा तो आगे चल के बड़ी मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि लैपटॉप की डिस्प्ले ठीक नहीं होती है, बदलवानी पड़ती है और बहुत महंगी आएगी अगर कंपनी से आप बदलवाते हैं। तो लैपटॉप की डिस्प्ले अगर जरा सा भी डैमेज है, अगर उसमें कहीं एक मच्छर जैसा भी दाग आ रहा है, तो आप उस लैपटॉप को दूर से जयराम जी की कर लीजिए। तो ये हमारा आज का वीडियो था, और नेक्स्ट टाइम हम आपको 5 लैपटॉप बताएंगे नए, कि आपको कौन कौन से लेने हैं। तो हमारा पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है तैयार रहिए। धन्यवाद।